Hello ji, welcome to my style, my fitness. I am Ravi Sapra and this is my mother Renu Sapra. और आज मम्मी मेरे को बताएंगी कि अलोम विलोम और प्राणायाम कैसे किया जाता है. आप भी देखिए और आप भी सीखिए किस तरह से हम करें और घर में रहकर हम किस तरह से अपने आप को फिट रख सकते हैं. तो चलो शुरू करते हैं. नमस्कार सबको मेरा प्यार भरा. और आज के समय में हमें घर के अंदर ही रहना है और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है. हम अंदर ही रहें, घर के अंदर रह के खुली हवा में बैठ के और पूरब की तरफ अपना मुंह करके और प्राणायाम करेंगे. अब हम ओम पांच जो हमारे मुख्य प्राणायाम या ओम का स्वर है हम वो चीज़ें करेंगे जिससे हमारी रोग निरोधक क्षमता बढ़ेगी. सबसे पहले हम ओम का जाप करेंगे और उसके बाद दो मिनट का कम से कम, आप ज़्यादा भी करें तो टोटल प्राणायाम को आप आधा घंटा करें. उससे ज़्यादा भी अगर आप पाँच मिनट भी करते हैं मेडिटेशन और शांत होकर बैठते हैं, अपने अंदर झांकते हैं अपने, और जो विचार आते हैं उनको आने दें, जो जाते हैं उनको जाने दें. ऐसे विचारों में ऐसी कोई आने जाने में कोई पाबंदी नहीं है. आप सात बार ओम का जाप करेंगे क्योंकि हमारे जो पुराणों में भी लिखा है और साइंटिस्ट की भी ये खोज है कि ओम की जो वाइब्रेशन है वातावरण में बहुत सुखदायी होती है. तो हम पहले ओम का सात बार जाप करेंगे और फिर उसके बाद शांत मन से बैठेंगे. ओ इसके बाद हम करेंगे लंबी सांसों का, लंबी डीप ब्रीदिंग जिसको कहते हैं उसका अभ्यास करेंगे. और जितनी हम फेफड़ों में हवा भरेंगे उतने हमारे फेफड़े खुलेंगे. आज के समय में बहुत से लोग क्या जब तक हमें पता नहीं था हम भी उथली उथली सांस लेते हैं, लेकिन हमें डीप ब्रीदिंग लेनी चाहिए. और शायद इसलिए इसका साइंटिफिक रीज़न है कि पूरे फेफड़ों में हवा जानी चाहिए. इसीलिए शायद हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही थी जिसका साइंटिफिक रीज़न था. वो ये कहते थे कि भगवान ने हमें जो श्वास दिए हैं वो गिनती के दिए हैं, तो क्यों ना हम लंबे सांस लेके अपनी आयु को बढ़ाएं. इस बात का साइंटिफिक रीज़न है कि हम जितने फेफड़ों में हम ज़्यादा हवा भरेंगे, बुज़ुर्गों की बात को भी सच करेंगे और खुद भी स्वस्थ रहेंगे. पहले हम लंबी सांस डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे, उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे. साथ साथ ही शुरू कर देंगे. अनुलोम विलोम में क्या करना है, जैसे मैं हाथ रखूं अपने नाक के ऊपर वैसे ही आप सब रखेंगे. और पहले बाईं तरफ से सांस लेंगे, दाईं ओर से छोड़ेंगे और डीप ब्रीदिंग करेंगे ये भी. फिर दाईं ओर से सांस लेंगे, बाईं ओर से छोड़ेंगे. ये हमारी एक आवृत्ति है. इस प्रकार से हम कम से कम 10 करें आवृत्तियाँ, और ज़्यादा भी अगर आप करते हैं तो आपके लिए ही अच्छा है. तो करेंगे पहले लंबी सांस डीप ब्रीदिंग का अभ्यास, उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे. स्टार्ट. अनुलोम विलोम. प्रत्येक प्राणायाम के बाद
अपनी सांसों को नॉर्मल कीजिए और जहां आपको लगे आपको कुछ असुविधा हो रही है या अनइजीनेस सी जिसको कहते हैं वो आपको महसूस होती है तो आप वहीं रुक कर और अपने सांसों को नॉर्मल करें और लंबे लंबे सांस लें। अब हम करने जा रहे हैं कपालभाति। कपालभाति ये एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे पूरे शरीर की सारी नसों को खोलता है। इस प्राणायाम में पहले आप लंबा सांस लेंगे, फिर आप झटके से नाक के द्वारा ही सांस लेंगे और नाक के द्वारा ही झटके से सांस को छोड़ेंगे और ये आप जितनी बार सुविधा से कर सकें उतनी बार करें, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप 15 बार करें 20 बार करें। जितनी बार आप सुविधा से कर सकें उतनी बार कीजिए, क्योंकि शुरुआत में इसके करने से मेरा जहाँ तक ख्याल है 5 से 7 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार शुरुआत में इतना आप करेंगे तो आपकी शरीर की नसें आपको खुद को महसूस होंगी कि खुल रही हैं, खुली हैं और इससे ज़्यादा आपको असुविधा भी महसूस हो सकती है। तो इसलिए शुरुआत में आप कम करें और उसके बाद धीरे धीरे इन आवृत्तियों को बढ़ाएं। करेंगे शुरुआत, विश्राम। अब हम करने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। ये हमारे ईयर, नोज और थ्रोट, ई एन टी, इन तीनों के लिए एक बहुत अच्छा स्वस्थकारी और फ्रेशनेस, ताजगी देने वाला प्राणायाम है। आप इस आवृत्ति को अगर एक बार 4 या 5 बार करते हैं, वैसे इसको जितनी बार मर्जी कर सकते हैं, लेकिन एक बार में 4 या 5 बार करें। जब आप जिस प्रकार मैं हाथ रखूंगी कान पर नाक पर, आप वैसे रखें और अंदर से जैसे भंवरा गुंजन करता है उस तरह से गुंजन करें और ओम की ध्वनि कोशिश करें कि हम ओम की ध्वनि अंदर से निकालें। आप अंदर से ओम की ध्वनि निकालें, बाहर भंवरे की गुंजन ही सुनाई देगी। और इसको जब हम 4-5 बार करके कान से और नाक से अपने हाथ हटाएंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे जैसा हमारे शरीर में ताजगी नहाने के बाद आती है, वैसे इस पोर्शन में एक सीलापन सा, जैसे नहाने के बाद सीलापन होता है शरीर में, गीलापन, और उससे जो ताजगी महसूस करती है महसूस होती है, हम अपने इस ENT वाले पोर्शन में वही ताजगी महसूस करेंगे। करेंगे आंखों के ऊपर ऐसे 2 उंगलियां रखेंगे, ये 1 उंगली माथे पर, अंगूठे को कान, अंगूठे से कान बंद करेंगे और ये छोटी उंगली ऐसे रखेंगे, ये पोजीशन लेंगे और भंवरे की तरह गुंजन करेंगे 5 बार और कान अपने टाइट बंद रखेंगे और ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे भंवरे की तरह। करेंगे शुरू, आपको कान, नाक और गले में एक फ्रेशनेस सी महसूस होगी और इससे हमारी कई प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक होती हैं। और इसी कड़ी में आप लॉकडाउन की, जो घरों में जो लॉकडाउन है, इसी में आप स्वस्थ रहने का प्रयास करें, अंदर ही अंदर प्राणायाम करें। और इसी कड़ी में कल मैं आपको कुछ अपने शरीर के सारे जोड़ों की सूक्ष्म क्रियाएं भी बताऊंगी, जिससे आप घर में बैठे अपने शरीर को चलायमान रख सकते हैं।
नमस्कार।